राधे राधे गुरुजी जी। हमारे पति शुरू से दारू पीते हैं और बहुत घर में लड़ाई करते हैं। लड़की को इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि लाए हो? हाँ लाए, लड़की को भी लाते लाए। पति कहाँ है? पति यही है, लड़की भी और पति भी दोनों। बात कराओ। और लड़की का क्या है? बात करो। लड़की को थोड़ा समझा दीजिए, एक भी बात नहीं मानती है गुरुजी। क्या करती है? समझाते हैं तो मेरे पे नाराज होती है, हमारा कोई नहीं लगती है, तू अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, बेटी आपकी बात नहीं मानती? नहीं गुरुजी। और आज सुबह आप ही बता रहे थे हमसे? हाँ गुरुजी, हम तो नहीं आते हैं। क्या बता रहे थे? आपके कथे देख रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं कथे। बेटी आपको मारती है ऐसा बता रहे थे आप सुबह? जी। तो आपको मारती है? मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे पे थप्पड़ लगा देती, कहती है तेरे कहना नहीं करूँ, तू मेरे कौन लगती है। चलो बात कराओ, बेटी से बात कराओ पहले। बेटा यहाँ आओ आगे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, पढ़ती हो बेटा? हाँ जी। अपनी माँ को क्यों मारती हो? गुरुजी घर में क्लेश करते हैं बहुत। क्या क्लेश करते हैं? खा पी कर आते हैं, मतलब रात भर लड़ते हैं सब। अच्छा, आपके पिताजी लड़ते हैं? बैठो बैठो भैया। तो चलो, पिताजी लड़ते हैं तो उन्हें समझाएंगे हम, आप भी समझाना। तो माँ को क्यों मारती हो? पिताजी लड़ते हैं तो पिताजी की गलती है, माँ की क्या गलती है बताओ? मेन तो कलेश उन्हीं का ही होता है ना। है मेन तो कलेश उन्हीं की वजह से होता है। अब उनको अभी समझाएंगे। आपको सब ठीक चल रहा है? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है? सब तो मैया बता रही थी कि आपको किसी से प्रेम भी हो गया है। अब कुछ नहीं है, अब हम अपने ही जगह पे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। बेटा देखो, पढ़ाई ही करना, पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। प्यार मोहब्बत ना, ये केवल दुनिया आपको, अभी वो मैया ने बात की आपने सुना, किसी लड़के ने उनसे प्यार कर लिया, शादी कर ली और बाद में वो आदमी उनका शोषण करने के बाद छोड़ करके चला गया। ये दुनिया बेटा आप जैसी बहन बेटियों का शोषण करने बैठी है। आप चाहोगी तो लोग आपका शोषण कर लेंगे, और आप नहीं चाहोगी तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में कुछ बनकर दिखाओ, है ना। ये प्यार व्यार नहीं, शादी कर लेना बड़े होकर, फिर शादी के बाद अपने पति से खूब प्यार करना, कोई मना ना करेगा। अभी किसी लड़का वड़का से, लड़के वड़कों के चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया चिंगम खाती हो? चिंगम नहीं, कैसे खाने के बाद क्या करते हैं लोग? चिंगम को फेंक देते हैं। फेंक देते हैं? ऐसे ही जैसे चिंगम को चबा के लोग थूक देते हैं ना, ऐसे ही आपको भी चबा के ये दुनिया, ये लड़के, ये लोग आपको थूक देंगे। ना आप घर की रहोगी, ना घाट की रहोगी। इसलिए ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पिताजी से बात कराओ। मैं क्या बोलूं? अरे बोल दो यार। बोलो जी। राम राम राम। पत्नी को कहे तुम धमका रहे हो? सुनो, क्या नाम है आपका? बिंदा सा। बिंदास सा? बिंदास नाम है? बिंदा सा नाम। वाह, नाम बड़ा बिंदास है। क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं। है? सब्जी का दुकान। सब्जी बेचते हो? शराब पीते हो? पी लेते हैं हफ्ता में कभी एक देसी का कुआर डब्बा, हफ्ता आधा दिन। शराब पीना सही है? नहीं यार, भीड़ के काम करते हैं, पी लिए तो क्या हो गया। मैं तो घर में कोई कलेश तो ना करते, लेकिन ये सब उल्टा पुल्टा बोलता है तो इसीलिए हो जाता लड़ाई। अरे बेटा, शराब पी के जो पैसा शराब में खर्च करते हो, वो पैसा आप बचा करके आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ। ज़्यादा पैसा हो तो किसी भूखे को रोटी दान कर दो, प्यासे को पानी दे दो। गुरुजी ज़्यादा पीते हैं, दिन और रात कलेश बहुत करते हैं, मारते हैं सबको घर में। लड़की को भी इतने तेज तेज मारती, इतने गंदे गंदे गाली देते हैं। क्यों बिंदास? लड़की घर में टपने नहीं देगा, क्या करेगा? मैं सुबह लेके आ रही थी दो तीन दिन पहले यहाँ पे, इन्हें जाकर दारू के ठीका पर से मैं पकड़ के लाई। चलो बात झूठ बोल दो। क्यों मारते हो अपनी पत्नी को? क्यों क्यों? मैं नहीं मारता हूँ किसी को, कलेश काटता है, गाली बकता है, हाथ छोड़ देता है, तभी मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। यहाँ देखो हमारी तरफ, मारा था लड़की। पाडंग माइक छोड़ दो। यही मारा, दोनों भाई बहन में मारपीट कर रहा था, मैं छोड़ाने गया, हम लोग फाटा बाजार। सुनो, बच्चों को मारना सही है शराब पी के?
नहीं हाँ शराब नहीं पिए थे, सुबह सुबह सोए हुए थे हम। अच्छा अब हमें पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे? सुबह 7 बजे कहानी है। पहले सुनो, अब हमें प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम शराब नहीं पियोगे। सुबह मैं सोए हुए थे, मैं दोनों बाप बहन में दोनों मारपीट कर रहा था, मैं उठे छुड़ाने के लिए, फाटा चला के मेरे ऊपर आंख ऊपर मार दिया, सिर फाड़ दिया। अब ये बताओ शराब पियोगे कि नहीं पियोगे? गुरु जी बोले यहाँ से जाएंगे तो और खूब पियेंगे। ऐसा बोल रहे हैं क्यों? अरे मेरा शिकायत करती है, सारे जगह बदनामी करती है के सारे को। बात कराओ, तुम माइक लेना लो उससे। अब शराब पियोगे कि नहीं पियोगे? नहीं शराब तो नहीं पियूंगा। नहीं पियोगे? पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। छोड़ोगे तो नहीं वादा? छोड़ दें। सुनो प्रॉमिस, वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुने हो ये गीत? ऐसे गीत सुने हो? हाँ जी। हाँ जी सुने हो? सुनो अब नहीं पीना शराब। सुन रहे हो? हाँ सुना। अब शराब नहीं पीना? ना। नहीं पियोगे? नहीं। क्या पियोगे? ना। वो कोई पिलवाया जबरदस्ती तो? नहीं नहीं पीना, ठीक है? ये सबको पिलाते हैं, इनको 9 ऑपरेशन हुआ है, जब भी मैं सारे गहने गुड़िया बेच के। अब नहीं पियेंगे, वो कह रहे हैं नहीं पियेंगे। ठीक कर रहे हैं, अब वो नहीं पियेंगे। आप चिंता ना करो, ऑपरेशन भी करवा दिया है गुरुजी, जब भी नहीं छोड़ते, बहुत कलेश करते हैं, लगता है किसी को मौत कर देंगे घर में। अरे नहीं पियेंगे भी, और अच्छे से समझा दो। समझा दो। मीट मछली भी खाते, मैं मना भी करती हूँ तो। क्या खाते हैं? मीट मछली खाते, मना करती हूँ, मत खाओ, मैं भी नहीं खाया करूंगी। वो जबरदस्ती लाते हैं, कहते नहीं नहीं करेगी तो मैं। कथा सुनवाया करो उनको धीरे धीरे, बुद्धि आएगी। बहुत समझाती हूँ, सारे रिश्तेदार इनसे थक गए हैं कि हमारे घर में लगता है किसी की मौत हो जाए। लास्ट में मैं यहाँ पे आई हूँ कि सारे मेरे को समझा के भेजे, जा तू ही है घर में। अब तो कह रहे हैं नहीं पियेंगे। मैं खुद रेडी लगा के कमा के खाती हूँ गुरु जी, बच्चों को भी पालते हो, बच्चे से भी नहीं सुनते हैं कि कोई। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे। चलो।